वज़ीर-ए-आज़म का लॉकडाउन में दो हफ्ते तौसी का ऐलान, कहते हैं मुल्क में कोरोना वायरस अंदाजों से कहीं कम फैला। 98% इत्तेफाक राय से फैसले किए गए, स्कूल कॉलेज और खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। सूबे में अपनी जरूरत के मुताबिक सनअतें खोलने का फैसला करेंगे, इमरान खान का मुल्क में तामीराती सेक्टर खोलने का ऐलान। जबरदस्ती हुई तो हम सब गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं। मैं आप लोगों के चैनल के तवसुस से पूरे सिंध के ताजिरों को ये पैगाम देता हूँ कि खुदारा अब पीछे हटने की जरूरत नहीं है, अपनी दुकानें खोल दें। अगर गिरफ्तारियां होती हैं हम भी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम घर पर बैठने से मरने से बेहतर है, हम इनके पास जाके मर जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हम पीछे हटने को अब इंशाल्लाह तैयार नहीं है। मजदूरों के बाद ताजिरों की भी बस, सिंध ताजर इत्तेहाद ने कल से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन बढ़ाया तो मुलाजमी निकाल देंगे, ताजर गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार। गुजरावाला चैंबर ऑफ अंजुमन ने ताजिरान का माली पैकेज न मिलने पर कल से फैक्ट्रियां और दुकानें खोलने का ऐलान। लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज से मजदूर तबका शदीद परेशान, चूल्हे ठंडे पड़ गए, घरों में फाके की नौबत आ गई। दिहाड़ीदार तबका लॉकडाउन खत्म होने की दुआएं करने लगा। गवर्नर इमरान इस्माइल की अंदरूनी सिंध लग्जरी गाड़ियों के काफिले में आमद, हुजूम इकट्ठा हो गया, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। वजीर मुमलकत अली मोहम्मद खान अपने गांव जलाला में बगैर मास्क और दस्तानों के फिरते रहे, लोगों में राशन तकसीम किया, बच्चों को गोद भी लिया। प्रोग्राम इमरान खान का नाम बेनजीर का जवाब सुनकर गवर्नर का मूड खराब हो गया। इमरान इस्माइल के दौरे ठट्ठा के मौके पर दिलचस्प वाकया, गवर्नर के तर्जुमान ने खातून से पूछा कि ये पैसे कौन दे रहा है। खातून ने जवाब दिया कि बेनजीर भुट्टो। सोने ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए, फी तोला सोना 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गया, कीमत 1,04,000 रुपए हो गई, 10 ग्राम सोना 86,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3 मरीज जाँ बहक, तादाद 96 हो गई। कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,837 हो गई, 1,378 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। बिश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 3 डॉक्टरों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए, मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 25 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की 8 नर्सों में कोरोना की तस्दीक। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कोरोना के मरीजों के प्लाज्मा से इलाज के मंसूबे का आगाज, सेहतयाब होने वाले मरीजों से खून के एहतियात लेकर प्लाज्मा स्टोर कर लिया जाएगा, प्लाज्मा कोरोना के नए मरीजों को लगाया जाएगा। कामयाबी की दाद तो मैं उस वक्त दूंगा जब उनकी कोई कार्रवाई दिखाई दे रही हो, ना तो हमारे पास वो कैपेसिटी है एनफोर्समेंट की, ना वसाइल, ना हस्पतालों का मेयार, ना टेस्टिंग हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रही, तो कार्रवाई क्या की गई है? सिर्फ लोगों को बंद करना कार्रवाई आप कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत नाकिस कार्रवाई हुई है, अगर वो भी हुई है मेरे ख्याल में सिर्फ अल्लाह का फजल है, लेकिन मेरा ख्याल में इसकी 2-3 और वजूहत हैं कि ये क्यों कम है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक लॉकडाउन से या जो हुकूमत के इकदाम हैं उनसे कोई ताल्लुक। लॉकडाउन कोरोना से बचाव का कोई हल नहीं, पाकिस्तान में कोरोना से शरेआम दुनिया से कम है, हमने अस्पतालों में तमाम अमराज भूलकर फोकस कोरोना पर कर लिया है जो खतरनाक है। माहिरे अमराज कैंसर डॉक्टर आबिद जमाल की 24 न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तानी इस साल हज कर सकेंगे या नहीं, फैसला रमजान के आखिर में किया जाएगा। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को कोरोना से निमटने के लिए एक बार फिर रजाकार देने की पेशकश, कहते हैं हुकूमत नाकाम नजर आ रही है, ताजरों के लिए मुआशी पैकेज लाए जाएं, मसाजिद को आबाद होना चाहिए। कोरोना के इशू पर इत्तेहाद बरकरार रखना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है, मीडिया पर मुखालफीन को गालियां देने से कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। लॉकडाउन के दौरान सूबों के साथ मिलकर मौशी और रिलीफ की हिकमत अमली तैयार करना होगी, तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान।
कोरोना से लड़ने के बजाय बचने का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, चौधरी शुजात का मशवरा, कहा आजमाइश का वक्त है, सब माफी मांगे, मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए। दादू में खातून एसएचओ ने खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। बेनजीर जमाली ने पूरी तनख्वाह से एहसास सेंटर में मौजूद खवातीन को खाना खिला दिया। एसएचओ अपने हाथों से खाना पूरे पिंडाल में तकसीम करती रही। कराची की सब्जी मंडी में सबसे बड़ा सैनिटाइजिंग गेट नस्ब कर दिया गया। एक घंटे में 2,200 अपराध पर जरासीम को स्प्रे किया जा सकेगा। निजी कंपनी फ्रूट और सब्जी मंडी में मजीद एक गेट भी नस्ब करेगी। नामवर अदाकार असद बुखारी इंतकाल कर गए। 400 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। नमाज जनाजा आज शाम 7 बजे अदा की जाएगी। और लॉकडाउन के दौरान अगर आप बोर हो रहे हैं तो पाकिस्तान के 10 ब्लॉकबस्टर टीवी ड्रामे देखें। बीबीसी ने टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामों की फहरिस्त जारी कर दी। वारिस, अनकही, तन्हाइयां, खुदा की बस्ती और धुआं शामिल। सोने ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फी तोला सोना 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गया। कीमत 1,04,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 86,000 रुपए का हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3 मरीज जाँ बहक, तादाद 96 हो गई। कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,837 हो गई। 1,378 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। निश्तर अस्पताल मुल्तान के मजीद 3 डॉक्टरों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 25 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की 8 नर्सों में कोरोना की तस्दीक। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कोरोना के मरीजों के प्लाज्मा से इलाज के मंसूबे का आगाज। सेहतयाब होने वाले मरीजों से खून के एहतियात लेकर प्लाज्मा स्टोर कर लिया जाएगा। प्लाज्मा कोरोना के नए मरीजों को लगाया जाएगा। कामयाबी की दाद तो मैं उस वक्त दूंगा जब उनकी कोई कार्रवाई दिखाई दे रही हो। ना तो हमारे पास वो कैपेसिटी है एनफोर्समेंट की, ना वसाइल, ना हस्पतालों का मेयार, ना टेस्टिंग हो रही है, कुछ भी तो नहीं हो रही। तो कार्रवाई क्या की गई? सिर्फ लोगों को बंद करना कार्रवाई आप कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत नाकिस कार्रवाई हुई है, अगर वो भी हुई है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ अल्लाह का फजल है, लेकिन मेरा ख्याल में इसकी 2-3 और वजूहात हैं कि ये क्यों कम है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ताल्लुक लॉकडाउन से या जो हुकूमत के इकदाम हैं उनसे कोई ताल्लुक। लॉकडाउन कोरोना से बचाव का कोई हल नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से शरेआम दुनिया से कम है। हमने अस्पतालों में तमाम अमराज भूलकर फोकस कोरोना पर कर लिया है, जो खतरनाक है। माहिर अमराज कैंसर डॉक्टर आबिद जमाल की 24 न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तानी इस साल हज कर सकेंगे या नहीं, फैसला रमजान के आखिर में किया जाएगा। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि सऊदी अरब के साथ मिलकर कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को कोरोना से निमटने के लिए एक बार फिर रजाकार देने की पेशकश। कहते हैं हुकूमत नाकाम नजर आ रही है, ताजरों के लिए मुआशी पैकेज लाए जाएं, मसाजिद को आबाद होना चाहिए। कोरोना के इशू पर इत्तेहाद बरकरार रखना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। मीडिया पर मुखालफीन को गालियां देने से कौमी यकजहती कायम नहीं हो सकती। लॉकडाउन के दौरान सूबों के साथ मिलकर मौशी और रिलीफ की हिकमत अमली तैयार करना होगी। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कोरोना से लड़ने के बजाय बचने का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, चौधरी शुजात का मशवरा, कहा आजमाइश का वक्त है, सब माफी मांगे, मुस्तहिक लोगों की मदद की जाए। दादू में खातून एसएचओ ने खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। बेनजीर जमाली ने पूरी तनख्वाह से एहसास सेंटर में मौजूद खवातीन को खाना खिला दिया। एसएचओ अपने हाथों से खाना पूरे पिंडाल में तकसीम करती रही।
कराची की सब्जी मंडी में सबसे बड़ा सैनिटाइजिंग गेट नस्ब कर दिया गया। एक घंटे में 2,200 अपराध पर जरासीम को स्प्रे किया जा सकेगा। निजी कंपनी फ्रूट और सब्जी मंडी में मजीद एक गेट भी नस्ब करेगी। नामवर अदाकार असद बुखारी इंतकाल कर गए। 400 से ज्यादा फिल्मों में भी काम किया। नमाज जनाजा आज शाम 7 बजे अदा की जाएगी। और लॉकडाउन के दौरान अगर आप बोर हो रहे हैं तो पाकिस्तान के 10 ब्लॉकबस्टर टीवी ड्रामे देखें। बीबीसी ने टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामों की फहरिस्त जारी कर दी। वारिस, अनकही, तन्हाइयां, खुदा की बस्ती और धुआं शामिल।